डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ओम्स लॉ क्या है? एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था। इन्होंने ओम्स लॉ के बारे में बताया था। देखिए, किसी भी जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल इलेक्ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस कि एक बैटरी आपके पास होगी, वो जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है, और पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू हम किसी लोड को ऐड करते हैं। लोड इन द सेंस की जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है वो लोड कहलाएगा। जैसे ये बल्ब है तो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब ये बल्ब क्या है, ये एक लोड है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है। मतलब ये जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, पहले इसका स्टेटमेंट क्या है वो समझते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिएगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट या इलेक्ट्रिक करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टर्मिनल के अकॉर्डिंग, किसी भी कनेक्टिंग वायर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करिएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। मतलब वी और आई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। आगे देखिए, वी और आई में वी प्रोपोर्शनल टू आई, या जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लगेगा, कॉन्स्टेंट लगेगा। तो वी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट करके क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। और वहां पर जो कॉन्स्टेंट लगता है वो आर, आर जो है वो एक रेसिस्टेंस है। इसका मतलब अगर इसका नाम पढ़े तो V का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू I मतलब करंट इनटू R मतलब रेसिस्टेंस। तो एक नया टर्म आया क्या, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस जो है, यह देखिएगा यहाँ पे, रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो व्हाट इज रेसिस्टेंस, एक नया टर्म आया। तो देखिए, ओम्स लॉ का फॉर्मूला जरा डिस्कस करते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, मतलब V इज इक्वल टू I इनटू R। ये याद रखिएगा, V इज इक्वल टू I इनटू R, V मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। अब यहां पर वी आई आर में कोई भी दो क्वांटिटी अगर आपको पता रहेगी, वी आई और आर में कोई दो क्वांटिटी अगर आपको पता रहेगी, तो तीसरी क्वांटिटी आप इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो नई क्वांटिटी आपने यहां पर देखा, नया फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रेसिस्टेंस है। अब ये एक नया चीज है, तो जरा इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो होता है, इट अपोजेस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। अगर कंडक्टर में जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से पास करेगा, तो उस कंडक्टर में उस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज किया जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है, उसमें हिंड्रेंस पैदा होगा। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। तो जब कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करना शुरू कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कंडक्टर उसके रास्ते में कुछ रुकावट पैदा करेगा, कुछ हिंड्रेंस पैदा करेगा, और वही हिंड्रेंस क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका एस आई यूनिट जो होता है वो ओम होता है, OHM, और इसको ओमेगा के साइन में ऐसे बनाते हैं, वो साइन आप देखिए। मतलब R जो है, R इज इक्वल टू V इंटू आई। अब रेसिस्टेंस क्या है ये तो आपने समझ लिया, इसका सारा डिटेल, रेसिस्टेंस का थोड़ा डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी रेसिस्टेंस का बेसिक मतलब समझ लीजिए। देखने में जो रेसिस्टेंस है वो इस तरीके से दिखता है, आपके सामने ये इधर दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस देखने में ऐसे दिखते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल सर्किट वगैरह में आपने देखा होगा, चार्जर में, रेडियो में, इस सब में रेसिस्टेंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन रेसिस्टेंस सारे कंडक्टर्स में पाया जाता है, ये बात याद रखिए, रेसिस्टेंस सारे कंडक्टर्स में पाया जाता है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें रेसिस्टेंस की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, मतलब इंसुलेटर्स कैन नॉट फ्लो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इंसुलेटर्स कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, इट्स मीन दैट इंसुलेटर्स हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर है? वेयर एज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज लेस अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टर्स हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस, बट दे हैव रेसिस्टेंस। ठीक है, और जो सुपर कंडक्टर्स डिवाइसेस होती है, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना, वो रेसिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है, बट सुपर कंडक्टर एक आइडियल चीज है, ये बात भी अपने दिमाग में बैठाइएगा। ये रेसिस्टेंस का, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये रेसिस्टेंस को हम लोग जब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे कॉपी पे, जब आप डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तो रेसिस्टेंस को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ये आपके पास एक सर्किट बोर्ड है, मतलब जो एक्चुअल में रियल लाइफ में जो रेसिस्टेंस का यूज होता है वो इस तरीके से यूज होता है। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये देखिए, ये है रिहोस्टेट कहा जाता है इसको। रिहोस्टेट मतलब ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, रिहोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस। लैब में आप इस चीज को देखेंगे, इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर करके रेसिस्टेंस की वैल्यू को घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये रिहोस्टेट कहा जाता है। उसके बाद ये कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल
रेसिस्टेंस वायर मतलब कुछ डिफरेंस, जैसे मान लो हीटर है, हीटर का फिगर आपको दिख रहा होगा, तो हीटर में जो नाइक्रोम वायर्स लगे होते हैं वो सब के सब, ये देखो जो भी वायर है वो सब के अंदर रेसिस्टेंस होता है और ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिस्टेंसेस है। ये आपको दिख रहा है जो फोटो, ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, मतलब ये भी आपको लैब में देखने को मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए इसको रेसिस्टेंस बॉक्स कहा जाता है। चलिए तो रेसिस्टेंस का थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया, आगे जो है वो रेसिस्टेंस का पूरा डिटेल हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आते हैं ओम्स लॉ के एप्लीकेशन क्या है। ओम्स लॉ आपने पढ़ा क्या होता है, जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, ये हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। उसका एप्लीकेशन क्या होगा, देखो ओम्स लॉ जो होता है वो हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए किस चीज का, वोल्टेज का, करंट का, रेसिस्टेंस का, इम्पीडेंस का। एक नया टर्म है इम्पीडेंस, याद रख लीजिएगा इम्पीडेंस ये क्या चीज है इसके बारे में बताएंगे। वैसे इम्पीडेंस कंडक्टेंस का मतलब है कि अगर रेसिस्टेंस मतलब अपोजिशन तो कंडक्टेंस मतलब जो उसको फ्लो करा सके, वन अपॉन रेसिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर तीन क्वांटिटी ओम्स लॉ में थ्री क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन, एक हो गया आपका वोल्टेज, एक हो गया करंट और तीसरा क्या हो गया रेसिस्टेंस। वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, इस तीन में से कोई भी दो अगर आपको पता है तो तीसरा तो आप ऑटोमेटिक पता कर ही सकते हैं। तो ओम्स लॉ का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिमिटेशंस क्या है ओम्स लॉ के। ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इस चीज को फिर से देखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ का इस्तेमाल सब जगह नहीं होता है, ओम्स लॉ को यूनिलेटरल नेटवर्क्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। यूनिलेटरल जो नेटवर्क्स हैं इसका मतलब ये है कि उसमें करंट एक तरफ से तो जा सकता है लेकिन उधर से वापस करंट नहीं आ सकता है, इसको यूनिलेटरल डिवाइस कहते हैं। मतलब करंट जाएगा लेकिन करंट आएगा नहीं, ये बात समझिएगा। जैसे डायोड होता है तो डायोड एक यूनिलेटरल डिवाइस है, डायोड में एक तरफ से करंट जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ से करंट नहीं आता है, इसलिए इसको यूनिलेटरल कहा जाता है, ये बात आप समझिए। तो अगर कोई यूनिलेटरल डिवाइस है, यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी बात, अगर देखो जो CFL बल्ब ये सब जो चीजें हैं ना, इसमें भी ओम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं होता है। ओम्स लॉ सिर्फ वायर के लिए इस्तेमाल होता है, सिंपल रेसिस्टेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला आपका टॉपिक है वोल्टेज और करंट के बीच में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ बनता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन V एंड I इन ओम्स लॉ, ये बात थोड़ा समझिएगा। देखो अगर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए, वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे करंट, वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे करंट लेकर के अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करिएगा तो ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा, स्ट्रेट लाइन। Y पे क्या है, वोल्टेज है, X एक्सिस पे क्या है, करंट है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उस ग्राफ को रेसिस्टेंस कहा जाता है। समझिएगा, अगर V और I के बीच में ग्राफ को ड्रॉ किया जाए विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ तो जो ग्राफ बन रहा है वो रेसिस्टेंस कहा जाता है, ये बात आप लोग समझेंगे, उसको स्लोप कहा जाएगा और वो रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर इन दोनों टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, बी की जगह पे आई कर दें और आई की जगह पे क्या कर दें, बी कर दें, तब जो ग्राफ जो बन रहा है ये ग्राफ अब रेसिस्टेंस ना कहला करके इसको क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का मतलब वन बाई रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है वन बाई रेसिस्टेंस। इधर वाला जो ग्राफ है उसमें जो रेसिस्टेंस है, अब ध्यान समझिएगा, जो वी और आई का ग्राफ है, वी कहाँ है, एक्स, वी है किस पे, y एक्सिस पे, और करंट किस पे है, x एक्सिस पे, तो जो ग्राफ बन रहा है वो रेसिस्टेंस का है। दूसरी तरफ पे v जो है वो x एक्सिस पे है और i जो है वो किस पे है, y एक्सिस पे, तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस। ये बात हमेशा याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखो अगर v और i के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ जितना ही खड़ा होगा स्ट्रेट मतलब टुवर्ड y एक्सिस, जितना खड़ा होते चला जाएगा, स्लोप जितनी ज्यादा, स्लोप मतलब जो ढलान है वो जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उतना ही रेसिस्टेंस क्या है, हाई है, और स्लोप जितनी ही कम होगी उतना ही रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो आप V और I ग्राफ देख करके आप ये बता सकते हैं कि रेसिस्टेंस इसका ज्यादा है या रेसिस्टेंस इसका कम है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान समझिएगा। V और I का ग्राफ देख करके आप ये बता सकते हैं कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेसिस्टेंस कम है। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। लेकिन V को Y एक्सिस पे होना चाहिए और I को X एक्सिस पे होना चाहिए। अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं तो रेसिस्टेंस ना होकर के वो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का मतलब वन बाई क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ये बात जरा समझिएगा। आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है जिसमें R1, R2, R2 थ्री डिफरेंट रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बताएं कि इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी, मतलब R1, R2, R3 में इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। समझिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, तो ओम्स लॉ को हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ये सारा ओम्स लॉ था।
और थोड़ी बहुत बातें हमने रेसिस्टेंस के बारे में भी समझी। अब एक टेस्ट के लिए, अगला जो आपका टेस्ट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोग जरा इसे सॉल्व करिएगा। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। आप इसको पहले सोचिए, ठीक है, सोचें, उसको पढ़ें, सोचें, नोट्स बनाएं, आप घबराएं बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे तभी गलतियां होंगी, तभी आप उसको सुधारेंगे, फिर जीतना तो आप ही को ना है, ठीक है। अगले वीडियो में क्या होगा आप जरा बताएं, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ सकते हैं, गेस करिए। इसका हिंट मैंने वीडियो में दिया था कि अगला हमारा टॉपिक क्या होगा। चलिए, ये आपके सामने फोटो ही देख के बताइए कि अगला टॉपिक आपका क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, आपका स्वागत है। आप जितने भी कमेंट या जो क्वेश्चन है आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।